रामनवमी के बीच भगवान श्री राम की बारात हर कस्बे और शहर में धूमधाम से निकाली जा रही है। इसी क्रम में बरेली के कस्बा फरीदपुर में भी राम बारात धूमधाम से निकाली गई। बताते चले 184वां प्राचीन रामलीला महोत्सव मोहल्ला परा में चल रहा है। रामलीला मेले में धनुष यज्ञ एवं सीता स्वयंवर के उपरांत नगर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धूमधाम से भव्य राम बारात निर्धारित मार्गों से निकाली गई। राम बारात का जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राम बारात में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे गुरु विश्वामित्र, भगवान गणेश, हनुमान, शंकर, पार्वती आदि देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां दर्शकों का मन मोह रही थी। बैंड बाजों की धुनों पर लोग भगवान राम की बारात में नाचते गाते जयकारा लगाते हुए चल रहे थे, जिससे सारा नगर राममय नजर आ रहा था। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे प्राचीन रामलीला स्थल से शुरू होकर अपने पूर्व निर्धारित मार्गों से होती हुई वापस मोहल्ला पर रामलीला स्थल पर समाप्त हुई। राम बारात शोभा यात्रा में मेला कमेटी के अध्यक्ष अनूप गुप्ता, संरक्षक राजेश चंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र शुक्ला, वीरू वर्मा, राजीव गुप्ता, पर्वत सिंह अशोक, प्रमोद बलधारी, मोहित सिंह चौहान, बबलू गुप्ता, अमित शुक्ला, राम अवतार जोशी, रौनक वर्मा, राहुल शुक्ला, कृष्ण मुरारी सागर, हरीश शर्मा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राम बारात शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में कोतवाली प्रभारी हरवीर सिंह, एसआई राजकुमार, एसआई सहेंद्र मलिक पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। बरेली से ब्यूरो चीफ आचार्य संजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।